लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक मंदाताई महात्रे ने आज नई मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और बेलापुर दिवाले गांव के मछुआरों को लाइसेंस देने और विधायक निधि से निर्मित हो रहे गालों को पारदर्शी तरीके से आवंटन करने की मांग की। इन गालों का निर्माण महानगर पालिका और मंदाताई महात्रे की विधायक निधि से किया जा रहा है। बैठक के दौरान मंदाताई महात्रे ने मनपा में लाखों रुपए लेकर की गई बोगस भर्तियों पर सवाल उठाते हुए उसकी तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सुरेखा कोहली समेत तमाम महिलाएं भी मौजूद थी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक मंदाताई महात्रे ने आज एनएमएमसी आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात में बेलापुर के दिवाले गांव के मछुआरों की विविध समस्याओं को लेकर चर्चा की। मंदाताई महात्रे ने यहां दिवाले गांव के 70 से 80 मछली विक्रेता महिलाओं को लाइसेंस देने की मांग उठाते हुए उनके लिए मनपा और विधायक निधि से तैयार हो रहे गालों को पारदर्शी तरीके से आवंटित करने पर भी जोर दिया। विधायक मंदाताई महात्रे ने आयुक्त से मांग करते हुए कहा कि इन गालों पर स्थानीय मछली विक्रेता महिलाओं का पहला हक है, इसलिए गालों के आवंटन में धांधली नहीं होनी चाहिए और इन्हें असली लाभार्थियों को ही दिया जाना चाहिए। आज तो हम लोग मच्छीमार दिवाला के लिए इनको लाइसेंस मिलना चाहिए, इनको जो गाले हम बना रहे आमदार निधि से उनको मिलना चाहिए और वहाँ के गाले में भी कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, कोई 20-25 हज़ार में गाला नहीं जाना चाहिए और इसके लिए हमने आयुक्त सबको मिलके और उन्होंने कहा इनको तुरंत लाइसेंस हम बना के दे रहे हैं। 70 लाइसेंस यहाँ की महिला मंडल के अध्यक्षा सुरेखा कोहली और सब उनके साथी आए, इनको लाइसेंस भी मिलेगा। आज तक इनको कभी परवाना नहीं दिया गया था, इसके बाद इनको परवाना दिया जाएगा और इनको बैठने को भी जगह मार्केट में दी जाएगी। मनपा आयुक्त से चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक ने कोरोना काल में आरोग्य और वाहन विभाग में की गई भर्तियों के ऊपर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए लेकर ऐसी भर्तियां की गई हैं, इसलिए इनकी तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी भर्तियां ठेकेदारों के माध्यम से की गई हैं, यदि इनमें धांधली हुई है तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे को पता जो चला कि बहुत सारे ड्राइवर लोग है जो डाटा कलेक्शन के लिए कोविड में रखे हुए लोग है, उनसे 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए लिया गया है। ये गलत बात है, पालिका में ऐसा कोई भी एक भी रुपए का यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, मगर जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में उनको मार्जिन मिलती है पालिका से, फिर उनको ये पैसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आयुक्त साहब को बीच में पत्र दिया था 1 महीने पहले कि इनकी सब इनको कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी चौकसी होनी चाहिए और ऐसे लोग को गुनाह उनका पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।